हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो डिस्कशन करेंगे पिछले एक सप्ताह के अंदर में जो भी करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। और ये पार्ट जो है आपके लिए यूपीएचएससी का जो पार्ट आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कहाँ से बन जाता है, तो यूपीएचएससी का एक पार्ट जो करंट अफेयर्स का है यूनिट नंबर वन, वहां से आपको अच्छे क्वेश्चन मतलब यहां से मिल जाएंगे। और दूसरा, साथ ही साथ में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी हमारे विद्यार्थी हैं जो अभी भी जेआरएफ बनने की होड़ में लगे हुए हैं, तो जो लोग जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके फर्स्ट पेपर में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ईवीएस वगैरह का पॉइंट उसमें भी ये आ सकता है। और साथ ही साथ में जिस तरीके से करंट डायनेमिक सोशियोलॉजी का पार्ट आया तो वहां भी ये पूछे जा सकते हैं। मतलब दो तीन पॉइंट है, उनको ध्यान रखने की जरूरत है। कहाँ कहाँ, एक तो यूपीएचईएससी, ठीक है, यहाँ पे जीएस का जो यूनिट वन का पार्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, डेडिकेटेड पूरा लेक्चर यही है। दूसरा, आप एनटीए नेट का जो एनटीए नेट है इसके फर्स्ट पेपर और साथ ही साथ में जो सेकंड पेपर है आपका सोशियोलॉजी, इसके भी कुछ डायनेमिक पार्ट हो चुके हैं इस समय, ठीक है, वहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम इन चीजों पर पूरा का पूरा फोकस करते हुए चलेंगे इनको अच्छे से। और ये टोटल वीक के 50 पॉइंट्स हैं, इन 50 पॉइंट को आपको फोकस करना होगा। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट जो आपका आ जा रहा है कि आरबीआई ने अपना एक नया आदर्श वाक्य मोटो लॉन्च किया है। तो कभी पूछा जाए मोटो यानी आदर्श वाक्य जो लॉन्च किया है वो कौन सा है, कैश इज किंग बस बट डिजिटल इज डिवाइन। कैश इज किंग यानी नकदी भव्य है पर डिजिटल दिव्य है, ठीक है। तो कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन ये लॉन्च किया हुआ है। इसका मतलब आरबीआई कहीं ना कहीं, ये जो बैंकरों का बैंकर कहा जाता है इसका भी उद्देश्य है, सरकार इस तरीके से जो प्रोग्राम बना रही है कि डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि आरबीआई ने भी इसको लॉन्च कर दिया। तो इसका मोटो वाक्य ये आपको लर्न हो जाएगा, कैश इज किंग आसान है, कैश इज किंग एंड डिजिटल इज डिवाइन, ठीक है। तो के कैश इज किंग एंड डिजिटल इज डिवाइन, आसान है, नकदी भव्य और पर डिजिटल दिव्य है। दूसरा देखिए, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 में सबसे ज्यादा प्रदूषित देश, तो ये आपके एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर में भी आ जाता है। आप एनटीए नेट का सोशियोलॉजी का जो 7 नंबर यूनिट है, ठीक है, एनवायरनमेंट से, वहां पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो दो जगहों पर ये अलग अलग पार्ट आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश यहाँ पर नंबर वन है, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रदूषित। और वहीं पर भारत की बात की जाए छात्रों, वो पांचवें नंबर पर है, पांचवें स्थान पर है। तो ये दोनों आपको लर्न करके रखना है, ठीक है। तो नंबर वन पर बांग्लादेश और नंबर पांच पे जो है वो भारत है। तो विश्व वायु गुणवत्ता यानी ये आप ये समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रदूषित में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर देख लीजिए कि सांस्कृतिक उत्सव की बात की जा रही है, तो सांस्कृतिक उत्सव बसोत्सव, ठीक है, यानी बसंत उत्सव को मिलाकर के बसोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो गांधीनगर गुजरात में किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि पिछली बार देखिए जलीकट्टू पूछ लिया था, ठीक है, तमिलनाडु का। तो बसंत उत्सव कहाँ पर मनाया गया, तो गांधीनगर में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। आप अगला इसमें देख लेंगे, क्योंकि अब तीज त्यौहार और यूनिट नंबर 10 जो है सोशियोलॉजी की वो भी इससे डेडिकेटेड, इसलिए आपको पढ़ना पड़ा। पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 100% एलपीजी कवरेज वाला भारत का, चूंकि देखिए जो उज्ज्वला योजना इसके तहत सभी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, मतलब पूरे भारतवर्ष को हम क्या कर रहे हैं, यानी एक कवायद चली है, उनको उज्ज्वला योजना यानी कि एलपीजी प्रोवाइड किया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से उनको जोड़ दिया जाएगा। और इसमें 100% अपना कवरअप करने वाला कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देख लीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का कई बार आता है, फर्स्ट पेपर में भी आ जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 11 नवंबर को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो नेशनल एजुकेशन डे है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है, और ये क्यों मनाया जाता है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के जन्मदिन के अवसर पर इसको मनाया जाता है, ठीक है। और भारत में अभी तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है, तो अब यहाँ से शिक्षा नीति को लेकर के जो परिवर्तन हुए, तो अब तक 3 बार शिक्षा नीति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अभी तक आजादी के पश्चात जो है अगर हम लोग बात करें तो भारत में कितनी बार शिक्षा नीति बनी, तो 3 बार बदलाव हुआ है, इसमें 3 बार आ चुकी है शिक्षा नीति। तो पहला 1968 में, 1968 में इंदिरा गांधी जी के समय में आई थी, 1986 में जो है फिर आती है राजीव गांधी के समय में, और फिर 2020 में आ रही है नरेंद्र मोदी सरकार के समय में, ठीक है। तो इस तरीके से 3 बार, यानी अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये कितना वर्ष का अंतर, यानी लगभग 34 वर्ष के अंतराल पर जो है ये चीजें आ रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहली दूसरी तीसरी शिक्षा नीति, इसको ध्यान रखिएगा। 1968 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था,
1992 में जाकर के किया हुआ था, ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद में थोड़ा अमेंडमेंट किया गया था। और कितने वर्ष बाद देश की एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, तो मैंने बताया कि 86 के बाद में अगर 2020 में हो रही तो लगभग 34 साल बाद जो है अमेंडमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा ये पेज नीचे हो गया था तो इसके टॉप पेज पर चलते हैं और 9th नंबर पर देखते हैं कि ये पार्ट क्या आ जाता है। तो देखिए जो पॉइंट नंबर है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ लेकिन इसको आप पॉइंट नंबर समझा करिए, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 9 जो आपका ये आ रहा है वो क्या आ रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है। जो ह्यूमन एचआरडी मिनिस्ट्री थी, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री थी, अब वो जो है बदल गया नई शिक्षा नीति के माध्यम से, अब वो हो गया शिक्षा मंत्रालय। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एचआरडी को अब एजुकेशन मिनिस्ट्री बोल दिया गया नई शिक्षा नीति के तहत। दूसरी चीज है नई शिक्षा नीति जो 2020 है इसका मसौदा किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। के कस्तूरी रंगन साहब हैं, ठीक है, इसरो के हेड रहे, इसरो के प्रमुख रहे हैं, पूर्व प्रमुख रहे हैं के कस्तूरी रंगन, उन्हीं की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया। वैसे सिर्फ ये अध्यक्ष रहे हैं, बाकी बहुत सारे हजारों लोग मिल करके इस नीति को तैयार करने में अपना योगदान दिया, ठीक है। और विदेशी भाषाओं की पढ़ाई किस लेवल से शुरू की है, जैसे आज हम देखते हैं कि कभी कभी प्राइमरी लेवल से ही जाते हैं और विदेशी भाषाएं जर्मन इंग्लिश और इन सब चीज की प्रिपरेशन करने लगते हैं, तो विदेशी भाषाओं की पढ़ाई किस लेवल से स्टार्ट होगी, अब सेकेंडरी लेवल से स्टार्ट होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके जो उच्च शिक्षा वाला पार्ट आता है एनटीए नेट के अंदर में वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान रखिएगा। और किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में जीईआर मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ये क्या है, ये उच्च शिक्षा का नामांकन मापने का एक संसाधन है। तो ये आपके उच्च शिक्षा विभाग जो एनटीए नेट यूनिट नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से आ सकता है और साथ ही साथ में करंट का पार्ट तो चल ही रहा है, ठीक है। तो ये ग्रास इनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो 50% रखा गया, कब तक रखा गया, 2035 तक। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो 2035 तक टारगेट रखें कि 50% हम जीईआर कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए नया क्वेश्चन जो अपना नया पॉइंट है कि नई शिक्षा नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ष के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए रखा गया, तो ये 2030 तक है। देखो यहाँ पर 2035 है, यानी कि जो आपका GER है वो GER 2035 है, 2035 है, जबकि यहाँ पर जो 3 से 18 वर्ष आयु के बच्चे उनको गुणवत्ता शिक्षा हम कब तक प्रदान करेंगे, कब तक ये अपना लॉन्च करके और पूरी चीजें हम इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे, तो आपका आ जाता है 2030 तक, यानी 2030 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने से कितने वर्ष के बच्चों में, तो 3 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। आइए देखते हैं कि जो प्रोग्राम बनाया गया वो क्या कैसे बना हुआ है। तो स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 पैटर्न की जगह, पहले हम लोग 10+2 की बात करते थे, अब ये कौन सा पैटर्न रहेगा, वो पैटर्न है 5+3+3+4। ये आपको लर्न करना है, 5+3+3+4 का हो गया, यानी कि जो पहला 5 है उसमें क्या है कि 3 से 8 वर्ष के बीच में, ठीक है, 3 से 8 वर्ष के बच्चा जो जब रहेगा तो उसमें जो है वो क्या करेगा कि ये केवल क्लास 3rd तक अपना कवर अप कर पाएगा, यानी जो नर्सरी वाला पढ़ेगा 3 साल तक, ठीक है, प्लेबे, और 2 साल यानी क्लास 1st और 2nd। फिर 3 में जो तीसरे से लेकर यानी 8 से 11 वर्ष की उम्र तक वो क्या करेगा, 8 से 11 वर्ष की उम्र में 3 साल यानी क्लास 3rd, 4th, 5th कवर करेगा, यानी 3 वर्ष तक बच्चा जो प्लेवे ग्रुप है उसमें जाएगा, यानी उसको पढ़ने के लिए एक जगह पर खेलने जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, आंगनबाड़ी की यहाँ पर उपयोगिता बढ़ेगी, ठीक है। तो अब याद रखिए कि इनकी सबकी वैकेंसियां भी भारी मात्रा में आने वाली हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज यहाँ पर देखिए कि जो सेकंड नंबर 3rd आता है वो 3rd, 4th और 5th आएगा, ठीक है, इस कक्षा को रिकवर करेगा, और वहीं पर जो आपका 11 से लेकर 14 वर्ष तक की जो आयु हो जाती है इसमें ये जो 3 साल है इसमें 6, 7, 8 को कवर करेगा, ठीक है। तो प्लस पहले 5 में क्या करेगा, यानी 3 ईयर तो वो प्ले बैक करेगा और 1, 2 केवल कर कंप्लीट करेगा। दूसरा जो आपका पार्ट आ जाता है 3, 4, 5 वाला वो आपका 8 से 11 में करेगा, और जो तीसरा वाला पार्ट आ जाता है 11 से 14 यानी 11 से 14 वर्ष में ये 6, 7, 8 करेगा, और 14 वर्ष के बाद में जो बच्चा होगा 14 से 18 यहाँ पर 9 से लेकर 12 तक की कक्षाएं करेगा, यानी ये 4 सेमेस्टर में हो जाएगा, 9, 10, 11, 12। और सब ये क्या है कि वर्ष में एक ही परीक्षा नहीं होगी बल्कि सेमेस्टर 6 मंथ के सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन चलेंगे। तो 9th में 2 सेमेस्टर इस तरीके से 9, 10, 11, 12 मिला करके यहाँ पर 2-2 मिला करके और 8 सेमेस्टर में एग्जामिनेशन होगा। तो ये आप जो है इसको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ छात्र केवल
तीसरी तक, तीसरी पांचवी आठवीं दसवीं और बारहवीं कक्षा देंगे। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो विद्यार्थी है उनके लिए एग्जामिनेशन क्षेत्र जो करेगा वो तीसरी पांचवीं आठवीं दसवीं और बारहवीं की परीक्षा देंगे। किस तरीके से देंगे ये इसी पैटर्न पर, बाकी परीक्षाएं नहीं होंगी बीच बीच में, ठीक है, वहां पर अपना जो है। और साथ ही साथ में स्व मूल्यांकन भी इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक चीज है। जीडीपी की बात करेंगे, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कितना परसेंट शिक्षा में लगाने की लक्ष्य रखा गया, जो अभी कितना है भाई, तो अभी है 4.43, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीडीपी का, 4.43 हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्य रखा गया है वो 6% का रखा गया है, ठीक है। तो 2030 तक हम लोग 6% का लक्ष्य रखे हैं, इनको हम जितना भी हमारे यहाँ सकल घरेलू उत्पाद है उसका 6% एजुकेशन में देंगे, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें इससे डेवलपमेंट निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना कि वोकेशनल कोर्स कब से शुरू किए जाएंगे, तो क्लास 6 से वोकेशनल कोर्स स्टार्ट किए जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट देखो, जब हम एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हो आप एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं, और अगर आप इन सब चीजों को नहीं जानेंगे छात्रों तो ये अपने आप से भी नाइंसाफी है, इसलिए इन सब चीजों को जानना जरूरी है। तो क्लास 6 से वोकेशनल कोर्स स्टार्ट होंगे, और नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया, तो एमफिल को समाप्त किया जा रहा है, ठीक है, जो मास्टर ऑफ फिलोसफी है इसको समाप्त किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। देखो सामान्य चीजें पता आपको सब है, लेकिन फिर वही है ना कि जिस जो अवेयर नहीं है उसके लिए फिर ये छोटे से कोई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने वाले के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया, तो भाई 4 ईयर की स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कहीं ना कहीं 4 ईयर अगर आप स्नातक की डिग्री किए हुए हैं तभी आप पीएचडी कर पाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल, तो अब थोड़ा सा एजुकेशन पॉलिसी से ऐड करके कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो खासतौर से यूपीएससी स्पेशल के लिए आ जाते हैं, मनोज सिन्हा साहब। देखो जम्मू कश्मीर का मामला थोड़ा सा हाईटेक रहता हमेशा, और ये रहता है इसीलिए वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर रिसेंटली पूछा जाएगा कौन है क्या, तो वहां के एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो मनोज सिन्हा जी को बनाया गया, तो ये जो है ध्यान रखिएगा। और किस केमिकल में भीषण विस्फोट से लेबनान की राजधानी जो बेरूत है, तो आपको तो यही है कि लेबनान की कैपिटल क्या होगी, बेरूत, और उसमें भीषण विस्फोट हुआ था जिसका नुकसान 10 किलोमीटर दूर तक हुआ था, बहुत भयंकर, अमोनियम नाइट्रेट, इसको केमिकल के रूप में भी याद रखिएगा, ये विस्फोटक पदार्थ है अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि आप लोगों का जो साइंस वाला पार्ट आता है वहां भी इसको इंपॉर्टेंट। तो 5 अगस्त 2020 को ये हुआ था, ठीक है, जिस दिन हमारे यहाँ जो है राम जन्मभूमि पर रामलला की स्थापना की बात की थी उसी दिन, तो ये आपको याद रखेगा 5 अगस्त 2020 में भीषण विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया गया था, कहां पर, लेबनान की कैपिटल बेरूत में, ठीक है, बहुत ही भीषण। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे, पुस्तक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति, ठीक है, जो स्वच्छ भारत क्रांति है इसका विमोचन जो किसने किया, तो दो लोगों ने किया, स्मृति ईरानी जी, और साथ ही साथ में इनके हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ठीक है, दो लोग हैं। स्मृति ईरानी जी को आप जानते हैं कपड़ा एवं बाल विकास मंत्री हैं, और साथ ही साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फटाफट रिवीजन करते हुए चलेंगे। अभी देखिए इसके एडिटर कौन है वो जरूर आएगा, ठीक है। तो स्वच्छ भारत क्रांति एक सरकारी बुक है, यानी ये जो है गवर्नमेंटेड बुक रहेगी, और इस बुक में स्वच्छ भारत से संबंधित 35 आर्टिकल्स, जो 35 आर्टिकल्स हैं दिए गए हैं रिसर्च पेपर वगैरह बनाने के लिए, जब भी आप ये सब काम करेंगे तो ये आप जरूर इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा कि स्वच्छ भारत क्रांति कैसे क्या हुई और कैसे इसमें बदलाव आया। एडिटिंग किसने किया, इसकी एडिटिंग यानी संपादन का काम जो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के जो सचिव हैं सेक्रेटरी हैं वो हैं परमेश्वरन अय्यर, ठीक है, परमेश्वर टाइप के आदमी है इसीलिए स्वच्छ भारत की बात किए हैं, तो बस इसको याद हो गया परमेश्वरन अय्यर, ठीक है, परमेश्वरन अय्यर स्वच्छ भारत क्रांति के जो बुक है सरकारी बुक है उसके एडिटर संपादक रहे, ठीक है। अब देखिए 22 नंबर पॉइंट पर चलेंगे कि शांति के लिए नोबल पुरस्कार जो विजेता और राजनीतिक जान यूयुम का 3 अगस्त 2020 को निधन हो गया है, ये आयरलैंड के रहने वाले थे, 1998 में नोबल पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है, तो ये ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल पर है, लेकिन कोई घटना जब जल्दी में होती है और कोई कुछ मतलब फेमस रहता है तो आपका पूछ लिया जाता। तो हाल ही में भारत सरकार ने फ्रांस से कौन से लड़ाकू विमान खरीदे, तो ये सब जगत जाहिर है राफेल खरीदा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये चीज इंपॉर्टेंट इसमें कि जो पहली खेप आई हुई है वो कितनी आई थी, 5 लड़ाकू विमान आए हुए थे, ठीक है, और ये कहां पर पहली बार लॉन्च किए गए थे, पहली बार कहां पर जो है लैंडिंग किए थे, अंबाला एयरबेस पर हरियाणा में, ठीक है। देखो टोटल विमान कितने खरीदे गए ये बहुत जरूरी है, तो 36, ठीक है, 3 दर्जन, यानी आप ऐसे याद रखो 12 36 यानी 3 दर्जन, ठीक है,
तो 3 दर्जन केले की तरह याद रखिए, 36 विमान खरीदे गए हैं और कब तक इनकी पूरी खेप आएगी, 2022 तक, ठीक है, 2022 तक मिल जाएंगे। और निर्माण इसका कौन कर रहा है, वो है डेसॉल्ट एविएशन, डेसॉल्ट एविएशन कंपनी है, उसी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। आगे हम लोग देखते हैं रफेल लड़ाकू विमान में भारत का आगमन में सुरक्षा के पहले इसका पहले कौन से लड़ाकू विमान थे, तो विशेष रूप से जो मतलब एक्टिव वो सुखोई, जैसे मिग वगैरह का नाम सुन रहे हैं तो मिग को बाद में अब हटा भी दिया गया, तो अब सुखोई जो है इसके पहले, तो SU-30 MKI सुखोई यही विमान जो है। और रफेल की जो मारक क्षमता, यानी रफेल अपने साथ में अगर जो भी मिसाइलें वगैरह लेकर चलती है उसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। और 3 प्रकार के ये मिसाइल भी लॉन्च कर सकता, एक मिटियार, ठीक है, मिटियार मिसाइल है, दूसरा हायर मिसाइल है, तीसरा स्काल्प मिसाइल। मिटियार हवा से हवा में मार करेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन जब बनते हैं छात्रों करंट अफेयर्स के तो वहां पर लोगों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि कौन सी मिसाइल हवा से हवा में है, कौन सी जैसे नाग और कौन सा टैंक रोधी है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चूंकि रफेल के साथ में नई चीजें, तो मिटियार मिसाइल हवा से हवा में मार करेगी, एयर टू एयर। हायर जो मिसाइल है ये हवा से जमीन पर, यानी एयर टू बेस पर मार करेगी। और स्काल्प मिसाइल ये किसी भी मौसम में लक्ष्य पर निशाना साधने में सक्षम है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, एक बार दो बार जरूर सुन लीजिएगा। तो भारत के जो नए शिक्षा मंत्री, यानी सोचिए कि जो शिक्षा नीति जो लागू की गई, तो उस समय शिक्षा मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, ठीक है, तो रमेश भाई जी को जो है आप इसको याद रखिएगा, हमारे ग्रुप के अंदर में भी रमेश भाई 3 लोग हैं, ठीक है, तो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, इनको आप याद रखिए, ठीक है, इन्हीं के समय में जो है शिक्षा का जो है एक प्रकार से फिर से जो है उद्भव हो रहा है, आविर्भाव हो रहा है, ठीक है, एक नए चरण के रूप में आविर्भाव हुआ, एक नए स्वरूप में आ चुकी है। और भारत के जनजातीय मंत्रालय के मंत्री जो है अर्जुन मुंडा साहब हैं, इनको आप तो जानते ही हैं, ठीक है। और भारत के पहले लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र बोस, लोकपाल की बात की जाए, देखिए ये भ्रष्टाचार को रोकने की महत्वपूर्ण संस्था है, और उसमें जो है लोकपाल की बात की जाए तो पहले जो नाम है ये थोड़ा जीके टाइप जनरल नॉलेज है, जस्टिस पिनाकी चंद्र बोस है। और वर्तमान में लोकपाल कौन है इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कि वर्तमान में कौन है इस समय लोकपाल इसको आपको बताना है। और भारतीय न्यायालय के मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है भाई, तो देखिए यहाँ पर जो 47th नंबर के हैं, पहले तो यही पूछ लेता है किस नंबर के हैं, 47 नंबर के जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ये 47 नंबर के हैं, 2,80,000 रुपए प्रतिमाह इनका वेतन है। और इस समय जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस की संख्या है तो वो 34 है, 33 न्यायाधीश हैं और एक मिला करके मुख्य न्यायाधीश, तो 34 न्यायाधीश हैं इस समय, इनको ध्यान रखने की जरूरत है। और भारत के पहले CDS यानी चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो बिपिन रावत जी पहले CDS रहे हैं, तो इनको ध्यान रखने की जरूरत है, ये GK का क्वेश्चन हो गया। भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयोग, ये इंपॉर्टेंट आपका करंट क्वेश्चन, क्योंकि जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, तो बिमल जुल्पा, ठीक है, बिमल जुल्पा इससे जुड़े हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखिए नेक्स्ट अगला जो इसमें क्वेश्चन बन जाता है, अगला पॉइंट जो बन रहा है वो है नीति आयोग, ठीक है, तो नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कई बार मतलब आपके पहले जब इनिशियल लेवल पर बना हुआ था छात्रों, तो ये कई बार पूछा गया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कभी कभी NTA NET की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, राजीव कुमार, तो इसका मतलब अध्यक्ष कौन होता, अध्यक्ष जो है इसके PM होते हैं, ठीक है, नरेंद्र दास मोदी जी जो है ये आपके अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष राजीव कुमार, ठीक है, तो ये याद करके रखने की जरूरत है, मेमोराइज रखिएगा। और उसके CEO जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो अमिताभ कांत हैं, ठीक है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत जी हैं। अब इसमें देखिए 7वें वेतन आयोग, ठीक है, 7वें जो वेतन मान आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार माथुर साहब हैं, ठीक है, और जो वर्तमान में चल रहा है 15वां वित्त आयोग, ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है NK सिंह, ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है 4-5 जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, और इसको कैसे लर्न करेंगे, देखिए जब आप इसको लर्न कर लेंगे उसके बाद बराबर इसको ध्यान में रखे रहेंगे, मान लीजिए कोई बीच में चेंज होता है तो आपने क्या किया, उसको कट कर दिया, उसके बगल में नाम लिख दिया, तो जिस तरीके से स्पेस में डबल बड़े बड़े और दूर दूर लिखा गया, ऐसे अगर आप एक छोटा सा अपना नोटबुक बना करके रखेंगे जो करंट के लिए यूनिट 1 के लिए, देखिए छात्रों ये तो आपको पता है कि वैकेंसी भी थोड़ी सी रेड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और अगर वैकेंसी रेड्यूस कर रहे हैं तो है पूरी कांटे की लड़ाई,
एक एक नंबर का सवाल है सिर्फ, ये जान लीजिए। मैं ऐसे कई विद्यार्थियों से कम मेरे जानने वाले में मोर देन 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ एक से दो क्वेश्चन से गए हैं, ठीक है। तो जब एक क्वेश्चन से कभी बाहर होता है ना तो दिल टूट जाता है छात्रों, इसलिए ये घटना से बचने के लिए, चूंकि जो मेहनत करते हैं वो आप कहीं ना कहीं, जब सोशियोलॉजी की बात की जाएगी उसमें अच्छा कर रहे हैं या और जो अदर पार्ट है उसमें अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ करंट के नाम पर एक दो क्वेश्चन अगर बढ़ने की पूरे चांस बन रहे हैं, ठीक है, करंट भी आपका ठीक है, आप पढ़ ले रहे हैं, रिवाइज करके जा रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर मेहनत एडिशनल कर करके और एक से दो क्वेश्चन अगर आपको सिलेक्शन दिला देता है या एक से दो क्वेश्चन अगर आपको मेरिट में ले आता है जिससे अपने मन पसंद के कॉलेज मिल जाते हैं, तो वो मेहनत वहीं पर पूरी की पूरी सफल हो जाती है छात्रों। अदरवाइज फिर क्या है कि अपने घर से दूर और 600 किलोमीटर दूर पर आप बैठे हुए हैं तो वहां मजा नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे में ये है कि आप ये मेहनत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो सेवी के अध्यक्ष के रूप में कौन है वर्तमान में, अजय त्यागी जी हैं, ठीक है। तो ये हैं और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 12 अप्रैल 1983 को ही थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है, सेबी, इसके अध्यक्ष जो है अजय त्यागी जी हैं। अब हम नाबार्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो नाबार्ड के जो नाबार्ड यानी एग्रीकल्चर लेवल का जो सबसे बड़ा बैंक है वो नाबार्ड है, उसके अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंताला, ठीक है। नाम अगर ऐसा अच्छा सा आ जाए तो फिर एकदम, यानी गोविंदा तो याद ही है, ठीक है, तो गोविंदा राजुलू चिंताला अगर नाम आ जाए तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो है बीसीसीआई, ठीक है, इसके बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है सौरभ गांगुली जी हैं, ये सब आपको पता है काफी जो है, लेकिन कुछ लोग जो नहीं इंटरेस्ट रखते उनको नहीं पता रहता है ना, क्योंकि इसी टाइप का नाम आ गया तो आप कंफ्यूज हो गए। तो स्थापना कब हुई थी, 1928 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई के अंदर में है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली, स्थापना 1928, मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, देखिए करंट अफेयर देखो जरूरी इसलिए, मैंने बताया ना कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर होने जा रहे हो केवल सब्जेक्ट के बारे में है, पता है, लेकिन आपसे अगर कोई भी भारत के संदर्भ में जरा सा बात करने लगा तो आप कह रहे हैं सर हम इन सब चीजों के बारे में अनभिज्ञ हैं, तो थोड़ा बुरा लगता है। यही शायद कहीं ना कहीं कारण है कि उसमें जो जीएस का पार्ट है इसको भी रख दिया गया, यानी जीएस प्लस सब्जेक्ट इसीलिए रखा जाता है कि आप अदर चीजों के बारे में भी अवेयर हैं या नहीं, ठीक है, तो जरूरी होता है। और देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका जो है मुख्यालय मैंने बताया हुआ था हेग में है, ठीक है, ये कभी चर्चा की गई थी। और इसके वर्तमान में जो निदेशक हैं वो कौन है, वो है टेड्रोस एधानोम, ठीक है, टेड्रोस एधानोम, ठीक है, ट्रेडोस एधानोम। संख्या कितनी है, 194 कंट्रीज हैं इसमें और स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो हेग में है जेनेवा, ठीक है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में जो है, इसको अपडेट कर हैक की जगह पर इसको छात्रों जो है आप जेनेवा में कर लीजिएगा, स्विट्जरलैंड की जो है जेनेवा में स्थित है, इसको ये अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद में विश्व बैंक के अध्यक्ष की बात की जा रही, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, वो है डेविड मालपास, ठीक है, डेविड मालपास 13 नंबर के हैं और ये WB वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक हमें क्या करता है बहुत ही कम रेट में यानी आधे परसेंट पर जो है भारी मात्रा में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उधार देता है, ठीक है। तो ये हो गया, स्थापना 1944 है, मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, तो चाहे IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो दोनों वॉशिंगटन अमेरिका के अंदर में है, ठीक है। हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिफॉर्म यूनिकॉर्न 2020 हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न की सूची में भारत किस स्थान पर है, तो ये है चौथे स्थान पर। ये क्या है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न, ये क्या है कि यूनिकॉर्न कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी मार्केट $1 बिलियन से अधिक हो जाती है, तो $1 बिलियन से अधिक जो है हो जाने वाली जो ऐसी कंपनियां हैं उनकी संख्या पर अगर बात की जाए तो नंबर वन पर जो है वो USA है, सेकंड नंबर पर चाइना है, थर्ड नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद में फिर चौथे नंबर पर इंडिया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करके रखिएगा, ठीक है। तो हुरुन ग्लोबल आइकॉन यानी कि ऐसी कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी जिसकी मार्केट जो है $1 बिलियन से अधिक हो जाए, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे हाल ही में किसे 2020 के इम्पैक्ट वुमन अवार्ड, ठीक है, इम्पैक्ट यानी सबसे प्रभावशाली महिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना चल रहा है छात्रों,
तो फिर ये है कि भारत में ही 2000 से लेकर के वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है तब से, तो 2020 20 साल हो चुके हैं, तो इसलिए याद रखिए इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है 2020 में, तो वो है कलीपुरी, ठीक है, जैसे अमरीश पुरी ऐसे वो कलीपुरी है, ठीक है, तो याद रखिएगा कलीपुरी जो है इनको इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया। अब हाल ही में किसे भारत के अगले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात की जाएगी तो सीएजी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, मुर्गू, इनका नाम है मुर्गू छात्रों, ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्गू ये जो है ये सीएजी नियुक्त किए गए, ठीक है, सीएजी। अब देखो सीएजी मतलब ये हो गया काग, ऐसे ले कैग, कैग कैग मुर्गू कैग, ठीक, तो ये गिरीश चंद्र मुर्गू ये कैग नियुक्त किए गए यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए हैं, और ये कश्मीर यूएन में एलजी थे पहले, ठीक है, 5 अगस्त 2020 तक जो है वहीं के एलजी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कश्मीर में, ठीक है। अब देखिए हाल ही में जारी फ्यूचर आइलैंड इंडेक्स 2020 में रिलायंस किस स्थान पर रही है, ठीक है, तो यहां पर फ्यूचर फ्यूचर ट्रेंड इंडेक्स, ठीक है, इसमें जो है दूसरे स्थान पर रिलायंस रही है, पहले स्थान पर एप्पल है। तो एक चीज ये तो बात एकदम से बिल्कुल क्लियर हो गई कि दुनिया की बड़ी कंपनियों में सबसे ज्यादा अगर टर्नओवर की बात की जाएगी तो नंबर वन पर एप्पल है और दूसरे नंबर पर आपकी जो है रिलायंस कंपनी हो गई। तो छात्रों ये बहुत ही गौरव की बात है, ठीक है, और अगर ये गौरव की बात है तो आप समझ सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। और अगला पार्ट देखेंगे, हाल ही में 6 अगस्त को 6 अगस्त हिरोशिमा डे मनाया गया, क्योंकि 6 और 9 अगस्त को क्या हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में परमाणु बम गिराए गए थे, तो चूंकि ये सेकंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका ने जापान के शहर पर एटम बम गिराया हुआ था, इसीलिए इस बम का क्या नाम था, तो लिटिल बॉय, ठीक है, जो इसके ऊपर गिराया गया था लिटिल बॉय, और जो हिरोशिमा के बाद में एक दूसरा वाला शहर जो था वो था नागासाकी, ठीक है, नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, तो इधर 6 अगस्त को गिरा था, इधर 9 अगस्त को गिरा था, कब गिरा था, 1945 में गिरा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, किसने गिराया था, अमेरिका ने, किसके ऊपर, जापान के ऊपर, और बात है कि इस बम का नाम जो यहां पर हिरोशिमा डे था 6 अगस्त को, तो वो लिटिल बॉय था, और 9 अगस्त को जो ये नागासाकी पर गिरा उसका नाम था फैट मैन, ठीक है, फैट मैन, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए, 2020 किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द अवार्ड, ठीक है, मेडल ऑफ द अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किया गया, तो भारतीय संगीतकार, ठीक है, शोभा शेखर जी को प्रदान किया गया, ठीक है, इसको घोषणा की गई है कि इनको प्रदान किया जाएगा, तो मेडल ऑफ अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाएगी तो शोभा शेखर इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो है थोड़ा लीक से हट करके आ जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए लर्न करके रखिए। 2020 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन जो है 9 नंबर यूनिट खाद्य प्रौद्योगिकी से भी संबंधित है, चाहे एनटीए नेट के लिए हो तो वहां भी, तो विश्व खाद्य पुरस्कार जो प्रदान किए जाने की घोषणा की गई वो किसको की गई है, डॉक्टर रतन लाल जी को, ठीक है, तो डॉक्टर रतन लाल साहब जी को, हमारे देश के रतन लाल जी हैं, ठीक है, तो इनको विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया, मतलब प्रदान की जाने की घोषणा की गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में इसका देखिए कि 2020 में किस भारतीय लेखकों को एशिया के क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, तो दो लोग हैं भारतीय लेखक, एक कृतिका पांडे जी हैं, ठीक है, और यहाँ पे नाम वही है लेखकों को, तो लेखकों की जगह पर छात्रों एक ही लेखक, ठीक है, किस भारतीय लेखक को, लेखकों की जगह पर इसको हटा दिए, इसको लेखक लिख दीजिए, ठीक है, किस भारतीय लेखक को एशिया के क्षेत्र में जो राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार, ये याद रखिएगा, ठीक है, राष्ट्रमंडल जो लघु कथा पुरस्कार दिया गया वो कृतिका पांडे, तो यहाँ पर साफ साफ नाम लिखा हुआ वही नाम है कृतिका पांडे को प्रदान किया गया। तो चलिए ठीक है भाई छात्रों, इस तरीके से ये पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ, ये नीचे वाला पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, चूंकि पॉइंट वन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो इस तरीके से ये पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है। हमें आशा है कि आपको एक छोटा सा क्विक रिवीजन करने में ये जो जो आपका लेक्चर है वो हेल्प करेगा, और इसी तरीके से हर संडे टू संडे वीकली हम एक छोटा सा पार्ट आपके आधे घंटे के अंदर में लेकर के आते हैं, जिसमें हफ्ते भर की जितनी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, देखो ये घटनाएं बहुत होती हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टू हो और जो आपके काम की घटनाएं, सिर्फ उन्हीं घटनाओं को ही हम लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। तो ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इससे क्या बेनिफिट मिला, थैंक यू। और साथ ही साथ में अगर इसमें कुछ कंटेंट अगर आपके काम के मिले हो, जहां से लगा हो कि ये क्वेश्चन सर बहुत इंपॉर्टेंट था,
तो प्लीज उसको लाइक भी करें, ठीक है। उस फीडबैक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आप उसको जो है किस तरीके से ले रहे हैं। धन्यवाद।